वेलकम टू स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री क्लास। बेटा इस लेक्चर में हम जानेंगे अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस के बारे में। पहले हम यहाँ पे ऑस्मोसिस देखेंगे क्या होती है। ऑस्मोसिस बेटा इस फिनोमेनन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर बड़ा सा बीकर लेंगे बेटा और उस बीकर के दो हिस्से करेंगे। यानी कि अगर हमने बड़ा सा बीकर लिया, इसके हमने दो हिस्से कर लिए। आसान शब्दों में बताऊंगा बेटा मैं आपको, ये यहाँ पे ये हमने दो हिस्से किए और जब हमने यहाँ पे दो हिस्से किए, इसमें हम बीच में क्या डालेंगे, एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या डालेंगे इसमें, SPM जिसको हम बोलते हैं, जिसका माने है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां पे इस साइड भी हम सॉल्यूशन लेंगे और इस साइड भी सॉल्यूशन लेंगे, मगर एक चीज़ करेंगे, ये जो कंपार्टमेंट नंबर ए होगा और ये जो कंपार्टमेंट नंबर बी होगा, जो कंपार्टमेंट नंबर ए में सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे हम मोर कंसंट्रेटेड, और जो बी में होगा वो होगा लेस कंसंट्रेटेड। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो मोर कंसंट्रेटेड है और जो लेस कंसंट्रेटेड है बेटा, लेस कंसंट्रेटेड से सॉल्वेंट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आपके कहाँ पे चला जाता है, मोर कंसंट्रेटेड की तरफ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड मूव टुवर्ड्स व्हाट, मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह। और इसी मूवमेंट को, यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स move from less concentrated solution to more concentrated solution। through SPM, SPM क्या होता है, semi-permeable membrane। And this process is spontaneous। And is called osmosis। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, osmosis बोलते हैं बच्चे, we called it as osmosis। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे, osmosis बोलते हैं। That we call as osmosis। बच्चे अगर यहाँ पे हम देखेंगे, ये osmosis term जो दी है, this osmosis term has been given by one scientist that his name is Albee Nolet, given by Albee Nolet इन 1748 में ये टर्म दी थी। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस समझा बेटा। या हम दूसरे अंदाज से भी बोल सकते बेटा, अगर यहाँ पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखेंगे बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे
फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूट जाएगी, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन जाएगी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दैट वी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, हम उसको बोलते हैं। बेटा नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। जिसको आप बोलते हो SPM, सिंपल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, SPM हम उसको बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बेटा ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये नेचुरल भी हो सकता है और ये सिंथेटिक भी होगा, जिसको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं बेटा। जैसे हम नेचुरल की बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे नेचुरल टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है, जैसे पार्चमेंट पेपर, ओके बेटा, जैसे हम देखेंगे ब्लैडर ऑफ गोट, इसकी बात करते हैं ब्लैडर ऑफ गोट और पिग की बात करेंगे, या बेटा सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो भी एज ए SPM का काम करता है बेटा, या एनिमल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, यानी कि ये केमिकली भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक है बेटा जेलेटिनियस प्रिसिपिटेट ऑफ पोटेशियम, सॉरी कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ओके बेटा, कॉपर फेरोसाइनाइड, जब हम उसको इस कॉपर फेरोसाइनाइड को क्या करते बेटा, इन द फिल इन द पोर्स ऑफ पोरस स्पॉट, एंड दैट एक्ट एज व्हाट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड, दैट इज Cu2Fe(CN)6, ये बेटा कॉपर फेरोसाइनाइड, ये एक्ट करता है एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी एज एन एक्ट करता है बेटा, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ओके बच्चे, मैं आपको यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ किसकी, ऑस्मोसिस की, किसकी, ऑस्मोसिस की एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ बेटा, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ ऑस्मोसिस की। बेटा मैं यहाँ पे दो प्रकार के सॉल्यूशंस लाऊंगा, एक में क्या करूंगा बेटा यहाँ पे सिंपल पानी लाऊंगा, यानी कि वाटर, और दूसरे में क्या करूंगा बेटा यहाँ पे मैं क्या लाऊंगा दूसरे में मैं कोई सॉल्यूशन लाऊंगा जो कि मोर कंसंट्रेटेड होगा, जैसे NaCl सॉल्यूशन, जिसको मैं हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि NaCl सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या लाया मैंने प्योर वाटर लाया। दोनों जगह मैं क्या करूँगा बेटा यहाँ पे मैं एग को पहले क्या करूँगा उस में जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो शेल होती है उसको रिप्लेस करूँगा, यानी कि उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करके उसकी जो शेल है वो रिमूव करूँगा, और फिर उसी विदाउट शेल वाले एग को यहाँ पे इस प्योर वाटर में डालूँगा और यहाँ पे भी इस सॉल्यूशन में डालूँगा बेटा, यानी कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में डाला ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो यहाँ पे प्योर वाटर में हमने डाला उसका साइज़ बढ़ने लगा, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ बेटा, साइज़ बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ मीन्स
दैट गेट्स swollen up and size increases. How this happens? Because it happens कि water जो present है pure form में, तो water इस semi-permeable membrane के through egg के अंदर चला गया, egg के अंदर चला गया, ठीक है बेटा. तब जाके यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे वाटर एग के अंदर चला गया इस तरीके से, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मगर जब हम देखते हैं कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन में क्या हुआ, जब हमने इसी एग को डाला, इसकी श्रिंकेज हो गई. क्या हुआ? इसकी श्रिंकेज, यानी कि यहाँ पे वाटर एग से ही बाहर चल के कहाँ पे आया, सॉल्यूशन में आ गया. ठीक है बेटा, तो याद रखना यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस किस तरीके से होती है. ऑस्मोसिस, तो एक को हम बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस और दूसरे को बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस. अगर हम इसकी बात करेंगे, इसको बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस और इसको हम क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस. एक होती है एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरी क्या होती है, एंडो ऑस्मोसिस. ठीक है ना, सॉरी इसको हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस, हम इसको बोलेंगे, इसको एक्सो नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम एंडो ऑस्मोसिस, वी कॉल्ड इट एज एंडो ऑस्मोसिस. और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस. तो यहां पे हमें पता चला कि एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है और एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है. और यहाँ पे और एक चीज़ भी आप याद रखोगे कि जो एग अंदर वाला पार्ट है दैट इज़ एट हायर कंसंट्रेशन, और जो प्योर वाटर है वो तो लोअर कंसंट्रेशन पे है. तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में यहाँ पे पानी चला गया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मगर यहाँ पे तो उल्टा है, ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो हायर कंसंट्रेशन पे है और जो एग अंदर है बेटा वो लोअर कंसंट्रेशन पे. तो ऑब्वियसली पानी एग से बाहर आके किस में चला गया, ब्राइन सॉल्यूशन में. नाउ नेक्स्ट इज कि यहाँ पे हम और एक टर्म यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में. तो बच्चे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे. देखो ऑस्मोसिस होती है किसके थ्रू, SPM के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू. ठीक है बेटा, तो डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगता है, नो SPM, यहाँ पे कोई SPM की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि मूमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होती है. क्या होता है, मूमेंट ऑफ सॉल्वेंट. मगर यहाँ पे डिफ्यूजन में बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है बेटा, मूमेंट एक जगह से दूसरी जगह. तो ध्यान से सुन लेना बेटा. ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, मूमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बल्कि यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन में, यहाँ पे रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है. तो बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे. ओके बच्चे, और एक चीज़ याद रखना, जो ऑस्मोसिस होती है उसको हम रोक भी सकते हैं. कैसे हम रोक सकते हैं, अगर हम क्या करेंगे, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन से, तो ऑस्मोसिस इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर on the side of higher concentration.
concentrated solution. बट यहां पे इसको हम रोक नहीं सकते, can't be prevented. इसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है बच्चे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. दीज आर मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ना बच्चे यहां पे हम जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर, टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट वी हैव टू डू हियर. अगर मैं सपोज यहां पे एक बीकर बड़ा सा लेता हूं, और यहां पे इसके साथ मैं ही और एक बीकर लेता हूं, इस बीकर में एक वाले में मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे सॉल्यूशन रखता हूं. क्या रखा मैंने? सॉल्यूशन. और यहां पे इस पे फिक्स करता हूं एक मूवेबल पिस्टन. क्या करता हूं? मूवेबल पिस्टन यहां पे फिक्स करता हूं. यानी कि मैंने यहां से लिया सॉल्यूशन और यहां से मैंने क्या लिया बेटा? सॉल्वेंट लिया. व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम हियर? सॉल्वेंट. अब ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या लिया? सॉल्वेंट. यहां से प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट. और इन दोनों को आपस में SPM दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के आपस में इनको अलग किया बेटा. तो ऑब्वियसली बात है यहां पे वाटर कहां जाएगा? वाटर यहां पे मूवमेंट जो होगी वाटर की वो होगी फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टुवर्ड्स दिस सॉल्यूशन. तो इससे क्या होगा? पिस्टन में राइज होना शुरू हो जाएगा. मगर मैं चाहता हूं कि मैं इसमें एक्सटर्नल प्रेशर दूं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया दूं, ताकि मैं यहां पे सॉल्वेंट को आने न दूं. कहां से? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. क्योंकि पिस्टन तो राइज होगा ही, क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन क्या है? एट हायर कंसंट्रेशन. और यहां पे ये क्या है? लोअर कंसंट्रेशन. वो है हायर कंसंट्रेशन और वो है लोअर कंसंट्रेशन. तो सॉल्वेंट आएगा, उससे क्या हो जाएगा? पिस्टन मूव अप हो जाएगा. दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड्स. बट मैं चाहता हूं कि मैं उसको रोकूंगा, मैं सॉल्वेंट को आने नहीं दूंगा. तो मुझे एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे डालना पड़ेगा उस पिस्टन के ऊपर, उसको ऊपर आने नहीं देना. तो वही एक्सटर्नल प्रेशर That is applied to the solution to prevent osmosis of the solvent to of the solvent into solution through SPM that we called as osmotic pressure. हम उसको बोलते हैं बेटा. ओके बेटा, दैट वी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर.
यहाँ भी मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, किसके बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, किसके बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर हम और ज़्यादा इसमें प्रेशर डालेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे ही इस पिस्टन पे और ज़्यादा ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर डालेंगे और ज़्यादा डालेंगे, तब जाके क्या होगा, पानी अब प्योर सॉल्वेंट से नहीं बल्कि सॉल्यूशन से ही कहाँ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट में, कहाँ से, प्योर सॉल्वेंट में जाएगा, ठीक है ना। हियर फ्रॉम सॉल्यूशन व्हेन वी अप्लाई मोर एक्सटर्नल प्रेशर, पहले तो स्टॉप किया हमने, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, मगर उस ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद भी अगर हम कंटिन्यूसली इसमें अप्लाई करते रहेंगे प्रेशर, एक वक्त ऐसा आएगा, अब जाके फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, मींस व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर इज अप्लाई, एंड मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, हम उसको बोलते, क्या बोलते बेटा इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते बेटा यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस हम उसको बोलते, वी कॉल इट एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये आप यहाँ पे याद रखना रिवर्स ऑस्मोसिस तक, अभी इसमें और एक वीडियो है जिसमें हम क्या करेंगे, यानी कि ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस कैसे होती है एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके बेटा, हाउ ऑस्मोसिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे डिस्कस।